हेलो फ्रेंड नमस्कार, आपका वेलकम हमारे चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जो ये ट्रैक है 1615 है, BS4 है, तो इसमें एक नया सिस्टम लगाया हुआ है SCR। तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो क्यों लगाया गया है, उसे क्या फ़ायदे हैं, इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे आप देख रहे हैं ये हमारा यूरिया वाला टैंक है। इसमें जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है DEF ओनली, मतलब कि जो DEF होता है वो यूरिया होता है, और AdBlue भी बोलते हैं उसको। DEF की फुल फॉर्म होती है डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल, मतलब वो इसमें फिल किया जाता है। जब इसमें आप यूरिया डालेंगे तो उसमें कोई भी आयरन का मेटेरियल से नहीं डालना, जब कोई भी इससे कोई आप मग टाइप का हो वो आयरन का है उससे यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ करना है प्लास्टिक वाला पाइप इसमें यूरिया डालने के लिए अंदर। ये 35 लीटर का इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, 35 लीटर है, इसमें 35 लीटर यूरिया आता है। और इसके ऊपर लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, तो ये जो है वो है डोजर यूनिट है ये। पहले मैं बताना चाहता हूँ जो SCR होती है उसकी फुल फॉर्म होती है सिलेक्टिव कैथलेटिक रिडक्शन। इसका BS4 में इसलिए दिया गया है ताकि हम जो हमारी गाड़ी है उसमें से जो नॉक्स होता है वो कम से कम निकल सके। गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ करती है ताकि हमारी गाड़ियों से जो नॉक्स की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम हो जाए, तो BS4 में वही देखा गया है। तो उसको नॉक्स को कम करने के लिए इस सिस्टम को लगाया गया इसलिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसमें ये एक जो हमारा जो साइलेंसर होता है, जिसे आप यहाँ देखते हैं साइलेंसर हमारा, तो जो इसके आगे वाले जो आप ये देख सकते हैं, ये जो साइलेंसर है ये कैथलेटिक कन्वर्टर टाइप का साइलेंसर है। इसमें दो टाइप के सेंसर लगे होते हैं, एक तो वो देख सकते हैं आप ये सामने वाला, तो ये सेंस करता है कि जो हमारे जो एग्जॉस्ट बाहर आ रहा है उसका एक्चुअल में टेम्परेचर कितना है उसको मेजर करता है। और एक एंड में लगा होता है यहां पर, जो आप देख सकते हैं, तो ये मेजर करता है कि जो नॉक्स निकल रहे हैं उसकी कितनी क्वांटिटी निकल रही है। और ये सारी इंफॉर्मेशन देते हैं ECO को, जिसके थ्रू जब हमारी गाड़ी से एग्जॉस्ट बाहर निकलता है एग्जॉस्ट साइलेंसर से, तो जब वो उस पाइपलाइन से गुजरता है तो बीच में एक नोजल लगी होती है जिसमें जिसके थ्रू यूरिया उसमें इंजेक्ट किया जाता है। जब मतलब वहाँ ECO मेजर कर लेता है कि हमारा जो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर वो 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ चुका है और उसमें से नॉक्स भी ज़्यादा निकल रहा है, तो हमारा ECO क्या करता है, हमारे जो यूरिया होता है जैसे आप देख सकते हैं यू टैंक है, तो इसमें इसके थ्रू एक नोजल लगी होती है जो हमारे साइलेंसर पाइप में होती है, तो वो क्या करते हैं यहाँ से यूरिया को सप्लाई करता है और जो नोजल हमारे जो स्मोक होता है उसमें यूरिया की सप्लाई देता है, जिसके कारण से वहाँ पे मिक्सचर होता है और क्या होता है उसमें फिर हमारे जो नॉक्स होते हैं जब उसमें नॉक्स के साथ हमारा यूरिया मिक्स होता है, तो और जो फिर मिक्सर होने के बाद जो एग्जॉस्ट से निकलती है वो उसमें नॉक्स कम हो जाता है हमारा, और वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर, जिसके कारण से हम कर सकते हैं जो हमारे नॉक्स होते हैं तो कम कर सकते हैं, और जो साइलेंसर से स्मोक निकलता है वो भी कम हो जाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है वाटर के अंदर। तो इस तरह की कुछ टेक्निक BS4 गाड़ियों में यूज़ की गई है जो हमने देखी है, तभी यूरिया का टाइम हम यूज करते हैं और उसमें यूरिया इसलिए डाला जाता है, तो हमें टाइम टू टाइम इसको देखना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी के जो यूरिया नहीं खाती है तो उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप उसे जरूर चेक कराएं कि हमारी जो गाड़ी है यूरिया क्यों नहीं खा रही, तो इसलिए मिस्त्री को भी दिखाएं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इस वीडियो को एक लाइक एंड जो रेड का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा, ताकि आने वाली हर वीडियो को आप देख सकें। थैंक यू गाइस।